हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सचिन एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज एनटीए के वेबसाइट पे दो बिग अपडेट आया है। सबसे पहला अपडेट ये है कि मार्च अटेम्प्ट 2021 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए मार्च अटेम्प्ट का। और दूसरा बिग अपडेट ये है कि फरवरी अटेम्प्ट 2021 का आंसर की रिलीज़ हो चुका है, तो आप अपना आंसर वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप आंसर की को कैसे देख सकते हैं और आंसर की का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आप लोग को डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर में क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ही इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन ऑप्शन दिखाएगा, या आप एप्लीकेशन नंबर या पासपोर्ट से लॉगिन कर सकते हैं, या आप एप्लीकेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कर सकते हैं। तो जो भी आप लोगों को याद होगा उससे आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लोग को सिलेक्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड को। उसके बाद आप लोग जैसे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद आप लोग को स्टेप टू ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप लोग को एप्लीकेशन नंबर और पासपोर्ट देना है, उसके बाद आप लोग को सिक्योरिटी पिन देने के बाद साइन इन करना है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर और पासपोर्ट देख के लॉगिन करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस करोगे, तो सबसे पहले आप लोग को नीचे जाना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ व्यू क्वेश्चन पेपर वन। ये मॉर्निंग का पेपर है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर वन। अगर इवनिंग का रहता तो यहाँ पर पेपर टू लिखा रहता। तो आपको ये क्वेश्चन को देखने के लिए आप लोग को इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पेपर आ गया, ये क्वेश्चन पेपर आ गया और आपने जो ऑप्शन को सिलेक्ट किया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन थ्री को सिलेक्ट किया गया है तो यहाँ पर ऑप्शन थ्री लिखा हुआ है। ऐसे ही आप लोग का ये क्वेश्चन है और जो जो आपने सिलेक्ट किया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आंसर की। तो आंसर की देखने के लिए आप लोग को बैंक जाना होगा। बैंक जाने के बाद आप नीचे यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्लिक टू व्यू आंसर की, क्लिक टू व्यू यहाँ पर ये क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आप लोगों का ये आंसर की आ जाएगा। तो ये केमिस्ट्री का पेपर है, सबसे पहले यहाँ पर केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री का पेपर है तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन आईडी रहेगा, क्वेश्चन आईडी के बाद करेक्ट आंसर जो आप लोगों का रहेगा वो है। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट है, यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर क्लेम भी कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो वन नंबर केमिस्ट्री का जो वन नंबर है वो इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को क्लेम करना है तो आप लोगों को बताना होगा कि राइट आंसर कौन है। तो जो आप लोगों को राइट लग रहा है, सपोज़ ये राइट है, तो उस पर आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे में जाके आप लोग को सबमिट करना होगा। जो सबमिट और क्लेम है इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। से आप लोग अपना आंसर की देख सकते हो और अपना मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और वीडियो से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।